बोल रहा हूँ सर, बिहार से सर। कहाँ से? बिहार में कहाँ घर हुआ? बिहार में सर, लखीसराय जिला सर। लखीसराय में कहाँ? लखीसराय डुमरी सर। मुझे घर आना जरूरी है सर, यहाँ बहुत दंगा फसा हो रहा है सर। ये बिहारी मजदूर तमिलनाडु से मदद की गुहार लगा रहा है। सर यहाँ तिरुपुर में, यहाँ पूरा ज्यादा हम लोग पुनामली तांडलम में है सर, हम लोग का बचाव चाहिए सर। हम लोग पूरा 15-20 आदमी है सर, फैमिली सर। नीतीश कुमार की सरकार और पुलिस का कहना है कि तमिलनाडु में कुछ नहीं हुआ, जबकि वहाँ से बिहार लौट रहे मजदूर दहशत में है। उनका कहना है कि वहाँ उन्हें मारा पीटा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। इसी बीच एक मजदूर ने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से इस बारे में बात की और मदद मांगी। हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, मैं चंदन बोल रहा हूँ सर, बिहार से सर। मैं तमिलनाडु में रह रहा हूँ सर, तांडलम में सर। हाँ जी सर, मैं वापसी आना चाहता हूँ सर। मैं इधर 15 दिन आना हुआ सर तमिलनाडु सर। अच्छा। उसके बाद सर तिरुपुर में यहाँ पूरा ज्यादा दंगा फसाओ, सामने कंपनी में भी ऐसा मीटिंग होता है कि तुम लोग बाबू लोग हिंदी वाले लोग चले जाओ बढ़िया से घर। अच्छा। हम लोग डर डर रहे हैं कि सर स्टेशन पर भी जाते हैं, जाए लोग जाता है उसमें भी लोग दंगा सर। अच्छा। मेरा घर लखीसराय जिला पड़ता है सर, घर लोहरा पोस्ट डूंगी थाना बरैया सर। अच्छा, तो क्या हम बात करते हैं वहाँ के पदाधिकारी से, वहाँ जो घटना घटित हुआ क्या सच्चाई है? जी सर, बिल्कुल सच्चाई है सर, मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ सर। तो कह रहा वहाँ के DGP के ऐसा कोई घटना नहीं घटित हुआ है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर सच्चाई हुआ है सर। तो 12 लोग की हत्या हुआ है? जी सर बिल्कुल सर। काहे मारपीट करता है, कारण क्या है? आप लोग जब लौट रहे हैं तो मारपीट क्यों कर रहा है? जी सर, कारण यही है सर कि हम लोग का बिहारी लोग का बोलता है तमिलनाडु में केवल अब तक तुम जो भी काम किया है वो ठीक है, लेकिन अब मेरे को भी जगह चाहिए। तुम लोग यहाँ पर आते हैं तो हम लोग का धंधा पानी नहीं मिलता है, तुम लोग जाओ यहाँ से। विजय सिन्हा ने इस मजदूर को मदद का भरोसा दिया और शुक्रवार को BJP ने एक बार फिर विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने CM नीतीश कुमार से मुलाकात की और बिहारियों की हो रही पिटाई और हत्या मामले की जांच के लिए एक टीम तमिलनाडु भेजने का आग्रह किया, जिसे नीतीश कुमार ने मान लिया और DGP RS भट्टी को बुलाकर जांच टीम भेजने के आदेश दिए। फिर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मामले की जाँच के लिए एक जाँच टीम तमिलनाडु भेजने का फैसला किया। इससे पहले बिहार विधानसभा में DPT CM तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु पुलिस के हवाले से कहा था कि बिहारियों के पीटे जाने की बात झूठी है, BJP के लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं, जिसके बाद BJP ने तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दे दी कि मामले की जांच के लिए टीम भेजें। पूरा वीडियो चल रहा है, कल हमको डायरेक्ट हमसे बात किया है महोदय, और सारा इसका एक विशेष टीम गठित करके भेजें और जांच करा दें। इतना संवेदनहीनता माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप उसको सरकार को दे। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष कल से ही व्याकुल है इस इशु को लेकर के, आप शांति बनाए रखे, सुने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का? अरे बस सुन तो लो, अरे आप स्थान तो ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, आप ही सुनाइएगा, सरकार के नहीं सुनिएगा। अन पार्लियामेंट्री है क्या? अरे हम तो सुन तो लो, दे दीजिए। आप काला नाम मेरा बोल रहे थे, जब सुनना ही नहीं है तो। अरे मान आप बोल रहे थे नाम बोला आप सरकार तो सुन तो लो, बैठाओ सुनने के लिए ही ना, तो बात आप कह रहे हैं तो कह रहे हैं सरकार, आप सुनिए। उप मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय, एक कल का हमने दृश्य भी देखा विधानसभा में, जो दो वीडियो के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है, दो वीडियो जो चलाया गया है, कल इन लोगों ने हंगामा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लेते हुए अपने अधिकारियों को वहां के अधिकारियों से इस मामले की सत्यता को देखते हुए सत्य जानने के लिए अधिकारियों ने संपर्क किया और वहां के तमिलनाडु के जो DGP हैं
पहले हम उनका बयान जो है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में एक वीडियो रिलीज किया था, उसका अनुवाद हम करवा करके लाए हैं हिंदी में, पहले एक बार बयान सुन लीजिए। श्री शैलेंद्र बाबू, डीजीपी तमिलनाडु का बयान। मैं शैलेंद्र बाबू, पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल तमिलनाडु का प्रमुख बोल रहा हूं। बिहार में किसी ने ये कहते हुए एक झूठा और शरारती वीडियो पोस्ट किया है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया गया है। दो वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जिस वीडियो का शायद हो सकता आप जिक्र कर रहे हो, दोनों वीडियो झूठे हैं। ये दोनों घटनाएं काफी पहले त्रिपुर और कोयम्बटूर जिलों में हुई थी और दोनों ही मामले में वे तमिलनाडु के लोगों और प्रवासी श्रमिकों के बीच संघर्ष नहीं है। एक वीडियो जहां बिहार और झारखंड के मजदूर आपस में लड़ रहे हैं, दूसरा जो वीडियो है वहां कोयम्बटूर का, वो स्थानीय निवासी केवल लोकल तमिल लोग आपस में लड़ रहे हैं। यह एक तथ्य है कि तथ्यों को तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है ताकि ऐसा लगे कि तमिलनाडु में बिहारी के प्रवासी श्रमिक पर हमला किया गया है। तो महोदय, ये डीजीपी का बयान है और जाहिर सी बात है कि इस गंभीरता को देखते हुए ही डीजीपी ने अपना वीडियो रिलीज किया है और सतर्कता जो है की गई है। लेकिन अलग से अगर कोई और इंफॉर्मेशन है तो आप दीजिएगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम पहली बार नहीं, कई बार हमने पहले भी कहा कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना है और नकारात्मक राजनीति, सुन लीजिए ना, आप बोलिएगा ना भाई, बैठिए ना, केवल नकारात्मक राजनीति करना। बोलेंगे भारत माता की जय, लेकिन जरा पूछो, तमिलनाडु भारत का ही अंग है क्या? तमिलनाडु भारत का ही अंग है ना। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? ये कौन सा देशभक्ति है भाई? पहली बात कि अगर कोई ऐसी घटना होगी तो ना यहां की सरकार ना वहां की सरकार इसको टॉलरेट करेगी। अगर ऐसी कोई बात अगर हुई भी होगी तो सरकार जो है उन दोषियों को बख्शने का काम बिल्कुल नहीं करेगी। महोदय, इससे पहले बिहार पुलिस ने एक बयान जारी करके कहा था कि तमिलनाडु में रहने वाले बिहार के सभी लोग सुरक्षित हैं। बिहारी मजदूरों की हत्या और पिटाई को लेकर जो वीडियो सामने आ रहा है वो सब फर्जी है। तमिलनाडु के डीजीपी ने भी यही कहा था। हालांकि इसके बाद भी ये मामला थमा नहीं तो नीतीश कुमार को एक्शन में आना पड़ा। बात इसलिए भी बढ़ रही है कि घटना के दौरान तेजस्वी तमिलनाडु में ही थे और वहां के सीएम स्टालिन के साथ उनका जन्मदिन मना रहे थे। डिप्टी सीएम के होते हुए प्रदेश की जनता के साथ ऐसा होना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब जब बिहार की सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं तो कौन सा सच सामने आता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।